अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ग्लिच इनविजिबल और आयरन क्यू को कैसे मिक्स करना है लेवल वन अकाउंट में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने लेवल वन अकाउंट में ग्लिच इनविजिबल और आयरन क्यू को कैसे मिक्स करना है। तो उसके लिए मूड चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जो इनविजिबल ग्लिच और आयरन क्यू का डेटा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और उसके लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक जाने से पहले फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएँ, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ सबसे पहले अब तक पहुँचे। तो चलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को चार एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जो सबको ऑलरेडी पता होगा। एक का नाम है टू अकाउंट्स वर्चुअल बैकअप, AEHX एडिटर और टू अकाउंट्स। तो आप लोगों ने सबको इंस्टॉल करना है नहीं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोगों को मूट की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो कुछ फ्रेंड्स का मोबाइल 32 बिट सपोर्टेड है, कुछ का 64, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले टू अकाउंट्स में आना है, वही सेम प्रोसेस है। आप लोगों ने इसमें वर्चुअल बैकअप और जो मूड है आप लोगों का, जो 32 बिट सपोर्ट है या 34, आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वो अकाउंट लॉगिन करना है जिसमें आप ग्लिच इनविजिबल और आयरन क्यू को मिक्स करना चाहते हो। तो वो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने 2-3 गेम प्ले करके इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप लोगों ने इसकी यूनिक नोट करना है, जो दूसरी यूनिक में दूंगा आप लोगों ने, उस यूनिक के साथ आप लोगों ने अपनी आईडी की यूनिक रिप्लेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी गेम को अपडेट किया हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, और मैंने ऑलरेडी इसमें इसकी यूनिक नोट की हुई है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इसकी यूनिक आईडी, और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लेवल वन है। तो यहाँ पर 786 लेवल शो कर रहा है, क्योंकि ये 786 लेवल मूड है। उसके बाद आप लोगों ने गेम अपडेट किया और इसकी यूनिक नोट की। आप लोगों ने इसको मिनिमाइज से हटाना है। मिनिमाइज से हटाने के बाद आप लोगों ने टू अकाउंट में आना है, और यहाँ पर आप लोगों ने वर्चुअल बैकअप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने बैकअप पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करें, एडबॉल पूल पर, और तब तक वेट करें जब तक यहाँ पर एंडिट ना आ जाए। वही सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। और जो ग्लिच इनविजिबल और आयरन क्यू का डेटा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो मूड है, ये 5.2.0 वर्जन है फ्रेंड्स। तब तक वेट करें जब तक यहाँ पर एंडिट ना आ जाए। तो फ्रेंड, ये एंडिट आ गया। आप लोगों ने सिंपल ओपन करने के बाद आप लोगों ने वहां जाना है, जिस जगह आप लोगों ने ग्लिच इनविजिबल और आयरन क्यू का डेटा डाउनलोड किया हुआ है। तो यहां पर मैं डाउनलोडिंग में आ गया, यहां पर मैं असद 5.2.0 जिप में आ गया, यहां पर मैंने वर्चुअल बैकअप पर क्लिक किया। तो यहां पर सबसे पहले हम क्यू कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम पीसीस कलेक्ट करते हैं, आप लोग को तो पता होगा। तो यहाँ क्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से कॉपी टू क्लिक बोर्ड करें, और यहां से आप लोगों ने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लोगों ने वर्चुअल बैकअप में आना है। उसके बाद आप लोगों ने यहां पर क्लिक करके फिर फाइल्स पर, कंटेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर, यूज़र डिफॉल्ट पर, और आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हो प्रोमो सिस्टम प्लीज, इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये पेस्ट हो गया फ्रेंड्स। तो ओपन करना होगा, यहाँ ओपन पर क्लिक करें, एक्सटर्नल पर, यहाँ आप लोगों ने वर्चुअल बैकअप पर क्लिक करें, यहाँ पर फिर फाइल्स पर, कंटेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर, यूज़र डिफॉल्ट पर, और यहाँ पर आप लोगों ने
प्रोमो सिस्टम प्लीज पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो मैं यूनिक आईडी दूंगा आप लोगों ने सेम यहाँ पर वही यूनिक आईडी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने अब ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा फ्रेंड्स, आप इस यूनिक को नोट कर लें। इस यूनिक को यहाँ डालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके स्ट्रिंग पर क्लिक करें, यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करें और फिर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी की यूनिक डालनी होगी जिस में आप ग्लिच इनविजिबल और INQ मिक्स करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो यूनिक नोट किया हुआ है, यहाँ पर मैं डालता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पॉइंट पर क्लिक करें, तो यहाँ फिर ओके पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से ओके पर क्लिक करके यहाँ से इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप लोगों ने इसको मिनिमाइज से हटाना है। मिनिमाइज से हटाने के बाद आप लोगों ने यहाँ टू अकाउंट्स में आना है। टू अकाउंट्स में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले वर्चुअल बैकअप को ओपन करना होगा और यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और तब तक वेट करें जब तक यहाँ पर एंड डेट ना आ जाए। एंड डेट आने के बाद आप लोगों को मैं फिर बताता हूँ। एंड डेट आ गया, आप लोगों ने बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने सिंपल एडवाल पूल को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड्स ये एडवाल पूल ओपन हो रहा है। याद रहे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्यू कलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने पीसीस कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्यू कलेक्ट करते हैं आप लोगों के सामने। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ग्लिच क्यू हमने परचेस कर ली। उसके बाद हम आयरन क्यू परचेस करते हैं, उसके बाद हम इनविजिबल क्यू परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद आप लोगों ने क्यू कलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर से रार में आना है। रार में आने के बाद आप लोगों ने फिर से उस जगह जाना है जिस जगह आप लोगों ने ग्लिच इनविजिबल और आयरन क्यू का डेटा डाउनलोड किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं गया, आप लोगों ने फिर यहाँ पर क्लिक करके असर 5.2.0 पर क्लिक करना है। वर्चुअल बैकअप पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्यू कलेक्ट किया था, अब हम पीसीस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ से कॉपी टू क्लिक बोर्ड करें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लोगों ने फिर से वर्चुअल बैकअप में आना है और यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने फिर से फाइल्स पर, कंटेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर, यूज़र डिफ़ॉल्ट पर और आप लोगों ने फिर से नीचे आने के बाद आप लोगों ने फिर से ये देख सकते हो अपने प्रोमो सिस्टम प्लीज़ इसको आप लोगों ने इसको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप लोग हमने जो वहाँ से कॉपी थे यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये पेस्ट हो गया, आप लोगों ने ओपन करना होगा। ओपन पर क्लिक करें, उसके बाद एक्सटर्नल पर, उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, फिर से वर्चुअल बैकअप पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद फिर से फाइल्स पर, कंटेंट्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर, यूज़र डिफ़ॉल्ट पर, उसके बाद आप लोगों ने फिर नीचे आने के बाद आप लोग दिख सकते हो प्रोमो सिस्टम प्लीज इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने फिर से सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप लोगों ने फिर से इस जगह आप लोगों ने वही यूनिक डालनी है जो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने स्ट्रिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट रिप्लेस आल पर, रिप्लेस आर पर क्लिक कर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी की यूनिक डालनी होगी और यहाँ पॉइंट पर क्लिक करें और यहाँ पर ओके पर क्लिक करके आप लोगों ने इसको यहाँ से सेव करना है। उसके बाद आप लोगों ने फिर से टू अकाउंट में आना है और आप लोगों ने वर्चुअल बैकअप को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड वर्चुअल बैकअप ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करके यहाँ एडवाल पूल पर क्लिक करें और तब तक वेट करें जब तक यहाँ पर एंड डेट ना आ जाए फ्रेंड्स। एंड डेट आने बाद आप लोगों ने बैक आने के बाद आप लोगों ने सिंपल एडवाल पूल को ओपन करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर पीसीस क्लेम करोगे, पीसीस क्लेम करने के बाद आप लोग की क्यू मिक्स हो जाएंगी फ्रेंड्स। यही ओल्ड वीडियो थी फ्रेंड, ओल्ड ट्रिक थी,
बट आप लोगों को मैं बता दूंगा कि ये लेवल वन पर कैसे मिक्स होगी। बाकी सेम वही ओल्ड प्रोसेस है फ्रेंड्स, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है ये आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स ग्लिच क्यू की पीसीज में क्लेम करता हूँ, उसके बाद में आयरन क्यू की, और जो इनविजिबल क्यू है आप लोगों को तो पता है वो लास्ट में आता है फ्रेंड्स। आप लोगों ने क्लेम मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने के बाद आप लोगों ने फिर से गेम को ओपन करना होगा, तो फिर आपके सामने ग्लिच क्यू की पीसीज आई होगी फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरह क्लेम करके इस क्यू को मिक्स करते हैं लेवल वन पर। बस यही छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।